गौशीरा माता जा रहे हैं जोरा टॉप से। अब हम पैदल रास्ता है ये गौशीरा माता के लिए। जय रोशरा माता, जय रोशरा माता, जय रोशरा माता। माता हम जा रहे हैं, रास्ते में बहुत खूबसूरत अद्भुत सीनरी देख लीजिए। ये है रास्ता वहाँ जाने का, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। ये नीचे शाम दलीन है और इस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं। जो पहाड़ दिख रहा है उसी पहाड़ पर हमने पहुंचना है। अभी हम इस रास्ते से आ गए हैं ऊपर। ये दूर से ये कुंथला नजर आ रहा है, कुंथल का गांव, और हमें हमारा रास्ता ये है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। ये है भीमसेन की तलवार। यहाँ की मान्यता है ये भीमसेन की तलवार है, बिल्कुल तलवार की शेप का पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर है ये। यहाँ पर लोग इसके दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे हैं प्रिंस क्लास 9, मेरी धर्मपत्नी साक्षी क्लास 8, नाम बदल मनीष क्लास 6, और कैमरा मैन क्लास 9 हरी। यात्रीगण रोशरा माता की ओर अग्रसर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत प्रसन्न, बहुत खुश, माता का दरबार अब जल्दी ही शीघ्र ही आने वाला है। आप देख सकते हो कितना घना जंगल, और इसी घने जंगल में से हम इस वक्त जा रहे हैं। जो मान्यता है वो ये है कि ये पुण्य का पहाड़, और यहाँ पर पाप और पुण्य का पहाड़ दिख रहा है। अब ये वाला जो पहाड़ है ये पाप वाला पहाड़, और एक छोटा सा ये दिख रहा है ये पुण्य वाला पहाड़ है, या यहाँ की मान्यता है। इस धरती पर पाप बढ़ रहे हैं और पुण्य कम हो रहे हैं, और यहाँ से ऊपर से हम इस पहाड़ के ऊपर है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर लोग जा रहे हैं, और ये हमारा रास्ता है रोशरा माता जाने का। जय माता दी। कहाँ जाना है आपको? बसोली है। अच्छा, ऊपर ऊपर से ही जाएंगे, पहाड़ पहाड़ से ही है? पहाड़ पहाड़। चलो बढ़िया। कहाँ से आए, कहाँ से? अच्छा, दक्षिण से आई। चलो बहुत बढ़िया।
ना मारेगा जहाज डर तो है। बड़ा दुर्गम रास्ता इस पूरी पहाड़ी को चढ़ना है, बहुत स्टीप माउंटेन है ये। अभी हम चल रहे हैं, अभी लगभग 45 मिनट का और सफ़र है रोशा माता के दर्शन करने में। आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे हमारे। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब हम माता रोशरा के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा 10 मिनट का रास्ता है। बच्चे बहुत खुश है, हम भी बहुत प्रसन्न है। हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं हम। 12-13 किलोमीटर सफर करके पैदल चल के। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये सबसे आखिरी पड़ाव है हमारी इस यात्रा का। यात्रीगण जा रहे हैं, इस पहाड़ की चोटी पर है माता का मंदिर। जय माता रोशदा, जय माता दी। अब हम इस पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर माता का मंदिर। इस क्षण की हमें इसका इंतज़ार था, इस क्षण का। आखिरकार हम माता के मंदिर पहुंच ही गए। अभी हम थोड़े से 50 मीटर दूर है माता के मंदिर से। जय माता दी। माता रोशिरा का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मान्यता ये है कि माता यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ पर एक त्रिशूल मिला था और उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। बहुत बहुत पुराना ये यहाँ पर ये मंदिर है, हज़ारों साल पुराना। पूरी इस माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं।
इसके अराउंड, और ये कुछ धर्मशाला यहाँ पर है। जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं आठवें नवरात्रा में, तो यहाँ पर श्रद्धालु इन धर्मशालों का इसका उपयोग करते हैं और यहाँ पर बड़ा रश होता है उन दिनों। हम अभी माँ तारोशिरा के बिल्कुल, माता के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पर ये यहाँ के जो यहाँ पर पुजारी लोग हैं, जो यहाँ की पूरा ध्यान रखते हैं इस मंदिर का, ये है माँ तारोशिरा। जय माँ तारोशिरा, जय माता। ये त्रिशूल यहाँ पर श्रद्धालु लाते हैं और ये हम माता के दरबार में रखते हैं। यहाँ ये चढ़ावा है माता के दरबार में त्रिशूल, और माता के मंदिर के जो अराउंड है ये नज़ारा, ये सीनिक ब्यूटी आप देख सकते हो। चारों तरफ घने बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जंगल ही जंगल, और इस चोटी पर माता विराजमान है। माता रोशिरा पुराना मंदिर है ये बहुत,